अच्छा मेरी बिल्ली और चीजें में आओ। बिल्ली नहीं शेरनी हूँ मैं, शेरनी। अरे चल चल तेरी जैसी शेरनी आना अच्छी लगती है। अच्छा जी मैं ना मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ, एक महीने में छुट्टी करती हूँ तुम्हारी। भाई शायद ही किसी ने सोचा होगा कि नील का अपनी बहनिया अपने से 10 सालों बाद कुछ इस तरह से होगा आमना सामना, जिस पर एक खरोच आने पर नील की रातों की नींद उड़ जाया करती थी, आज उसी अपने के साथ ये मारा पीटी क्यों भाई? मेरी साइशा किडनैप हो गई है और मैं इन्हें किडनैपर समझ रही हूँ, किडनैपर समझ के इन्हें मारती हूँ। अंधेरा है, हमें कुछ दिख नहीं रहा है और काफी इंटेंस फाइट चल रही है। उसी फाइट के बीच में एक क्या है, बिजली कड़कती है और रिवील होता है उसके बाद का जो धमाका है जो होगा वो आपको पता चलेगा। पावर्स का तो पता नहीं लेकिन आज अवनी के एक्शन का पावर हाउस देखने को जरूर मिला। ये गलत फहमी है ना, 10 साल बाद मिले भी तो कैसे है। अभी एक्शन पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अवनी के वार पर वार और नील बाबू का पलटवार, लगता है दोनों के दोनों एक्शन फिल्म में ज्यादा देख रहे हैं आजकल। इनके पीछे कपड़े के कारण, इन कपड़ों को पहन के मुझे फील आ रहा है, यस मुझे क्रश वाला फील आ रहा है, तो इसलिए मैं इस तरह से फाइट कर पा रही हूँ और वो जो पावर्स है वो मेरे अंदर आ चुकी है। शाशा के किडनैप हो जाने पर और नील को शाशा का किडनैपर समझकर आज हो गया है नील और अवनी का आमना सामना। अंधेरे में खूब वार हुए लेकिन जब अवनी के चेहरे पर नील ने अपनी टॉर्च की रोशनी मारी तो बदल गई सारी की सारी कहानी। फाइनली 10 साल लग गए इन दोनों को रूबरू होने में। नील बाबू ज्यादा मत सोचिए, अवनी को अपनी बाहों में कैद कर लीजिए, कहीं फिर से ना उड़ जाए। और अभी तो आप दोनों को मिलकर साइशा की जान भी बचानी है।